ईडीनं पाठवलेल्या समजच्या विरोधात आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे दोन वर्षांमध्ये भाजपच्या अनेक संस्थांनी छापे टाकले मग एकही पैसा का मिळाला नाही असा सवाल केजरीवाल यांनी विचारला आहे आप नेत्यांना जेलमध्ये टाकून आता मला अटक करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही केजरीवाल यांनी केला आहे ईडीनं कायदेशीर समन्स पाठवावं कायदेशीर समन्सच पालन करेन असंही केजरीवाल यांनी म्हटलेलं आहे मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है झूठे आरोप लगा के फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं इन्होंने मुझे समन भेजे हैं मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है मैंने बताया है कि उनके समन कैसे कानूनी है लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैरकानूनी है क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने मुझे समन भेजा है क्यों इस जांच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है पहले क्यों नहीं बुलाया सीबीआई ने मेरे को आठ महीने पहले बुलाया था मैं सीबीआई में गया था उनके सारे जवाब भी दिए थे लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है इनका मकसद है छ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है आज मनीष सिसोदिया संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो होते आज तक इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता ये क्या चल रहा है ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है एबीपी डोले बगा नीट